नमस्कार, मैं हूँ रश्मि। रश्मि किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड रोल, तो उसके लिए हमको क्या सामग्री चाहिए आइए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर चार बॉयल आलू ले लिए हैं। अब इनको हम ऐसे कट करेंगे। और बारीक कट करके प्याज ली है, इसको इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा धनिया पाउडर लिया है, इसको भी मिक्स करेंगे। थोड़ा गरम मसाला लिया है, उसको मिक्स करेंगे। चार पांच हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च। अब हम इन सबको अच्छे से मैश करेंगे। आप आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं अगर आलू कम बॉयल हुए हैं तो, लेकिन मैंने आलू अच्छे से बॉयल किए तो मैं इनको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया है। अब हम इसको पानी में करेंगे थोड़ा, और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इसके अंदर अपना बैटर रखेंगे और इसको ऐसे बंद करेंगे। पानी में भिगोकर अगर ब्रेड के ब्रेड रोल बनाए जाते हैं तो वो ज़्यादा तेल नहीं सोखते हैं। तेल गर्म हो चुका है, डाल देते हैं। ऐसे ही सभी ब्रेड को पानी में भिगोएंगे, हल्का प्रेस करेंगे। जब तक हमारा ब्रेड रोल सिकता है हम दूसरा ब्रेड रोल तैयार कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए, हाई फ्लेम पे ऊपर से सिक जाते हैं लेकिन अंदर से आलू सिकते नहीं है, इसके लिए आप फ्लेम को मीडियम रखिए ब्रेड रोल सिकते समय। ये देखिए हमारा ब्रेड रोल गोल ब्राउन हो चुका है। ऐसे करके हम धीरे धीरे सभी ब्रेड रोल तल लेंगे। आपको ब्रेड के कोने काटने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोने वाली ब्रेड से ही बनाते हैं तो हमारा ब्रेड रोल और भी अच्छा दिखता है। ये देखिए मैं इस तरफ से करके दिखा रही हूँ आपको, और एकदम क्रंची है। फर्स्ट टाइम अगर आप ब्रेड रोल बना रहे हैं तो एक बार बना के कुछ रख लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ,
जब आप ब्रेड को पानी में डिप करते हैं तो चारों तरफ से करें, एकदम पूरे ब्रेड को पानी में डिप ना करें, उसमें बीच में पानी अपने आप आ जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी हाथ पे लगाइए और ऐसे एक ये देखिए, अभी मैं इसमें डाल दूँगी। आप ब्रेड छोटी बड़ी कैसी भी ले सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे ब्रेड रोल ना कहीं से खुलेंगे ना फटेंगे, एकदम परफेक्ट तैयार होते हैं। ये गोल्डन ब्राउन होने पर आप इनको निकाल लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगी एकदम कितने क्रंची तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।